Hello everyone, yes, and welcome back once again with a new video of Class 8. Myself Soumen and welcome you in the Fusis Champs. So, भैया हम लोग कहाँ हैं? Fusis Junior Wing में हैं and we are doing the live class of right now Social Studies Civics Proportion. ठीक है, तो Civics में अभी जहाँ जिस चीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं, this is the chapter number 2 from Class 8 and that is the Secularism. यानी कि धर्म निरपेक्षता की बात करेंगे. व्हाट इज सेकुलरिज्म, इसकी चर्चा करेंगे. सेकुलरिज्म का बेनिफिट्स क्या है, इसकी चर्चा करेंगे. एंड हाउ इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी, चैप्टर में इसकी चर्चा करेंगे. चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन यानी कि पहले टॉपिक के साथ. दैट व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म. चलिए, ये चैप्टर आप लोग स्कूल में स्टार्ट हो गया है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, चल ओके. सो क्वेश्चन हमारा है और ये टॉपिक भी हमारा है, दैट व्हाट इज सेक्युलरिज्म. दिमाग में इस बात को छाप लो पहली बात, कि ये जो पूरी चैप्टर है इसमें हम लोग बेसिकली बात किसकी करने वाले हैं. तो यहाँ पे हम लोग रिलीजियस इंडिपेंडेंस की बात करने वाले हैं. किस चीज़ की बात करने वाले हैं? रिलीजियस इंडिपेंडेंस की बात करने वाले, यानी कि धर्म से आज़ादी, धार्मिक आज़ादी की चर्चा करेंगे इन दिस चैप्टर. क्लियर है बात? चलो, सो व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म? आंसर आप लोग कॉपी करोगे, द टर्म सेक्युलरिज्म स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ऑफ चूजिंग और ऑप्टिंग any religion or practice any sect as per his her interest. The term secularism stands for independence or freedom of choosing or opting. यहाँ पे ये और है, और opting any religion or practice any sect as per his her interest. ठीक है, it provides us freedom to maintain, follow the religion to a religion on which we believe the most. Just copy it first. So देखो guys, we will have a question over here कि क्या सेक्युलरिज्म का मतलब है. तो मैंने क्लियरली लिख दिया कि जो टर्म है सेक्युलरिज्म, इसका मतलब होता है कि इंडिपेंडेंस और फ्रीडम फ्रॉम ऑफ चूजिंग और ऑप्टिंग, है ना, एक आज़ादी किस चीज़ की, तो चुनने की या ऑप्ट करने की आज़ादी किस चीज़ की, तो धर्म की या प्रैक्टिस मतलब किसी भी धर्म को अपनाने की या उसको फॉलो करने की, प्रैक्टिस करने की हमें आज़ादी अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यही है सेकुलरिज्म. इट प्रोवाइड्स अस फ्रीडम, ये हमें एक आज़ादी देता है मेंटेन या फॉलो करने का कोई भी रिलीजन, विच वी बिलीव द मोस्ट, जो हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको दिया भी था एग्जाम्पल शायद सेकुलरिज्म वाले टॉपिक में, कि कैसे एक के बाद एक धर्म बदलता जाएगा और नो वन विल स्टॉप यू और नो वन विल फोर्स यू टू दैट, यू कांट डू इट. क्लियर हो गई बात? चलिए, अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है चैप्टर से, दैट वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट. ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा?
why it is important to separate religion from state. Very good. लिखो question, लिखो why it is important to separate religion from state. Copy it first. ठीक है ना, लुक यहां पे दो वर्ड है निकल के, इसका आंसर समझना हो पहले आप ऐसे समझिए, यहां पे दो वर्ड है, पहला है रिलीजन और दूसरा वर्ड है यहां पे स्टेट. रिलीजन का मतलब होता है धर्म और स्टेट का मतलब होता है राज्य. राज्य कहने का मतलब है यहां पे क्या, राज्य वर्ड कहने का मतलब है यहां पे कंट्री है. क्या है? कंट्री यानी कि देश. हम यहां देश की चर्चा कर रहे हैं. एंड थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेसी, वी आर टॉकिंग अबाउट सेपरेट, कि इसको बांटा जाए, इसको सेपरेट कर दिया, इसको अलग कर दिया जाए. समझ रहे हैं? तो ये क्यों जरूरी है कि राज्य को अलग कर दिया जाए, किससे? किससे? स्टेट से. ठीक है, तो ध्यान में रखो इस बात को कि कंट्री यानी कि स्टेट, अगर कोई राज्य या कोई देश अगर किसी वन रिलीजन को फॉलो करे, इफ अ कंट्री, मैं यहां लिख देता हूं कि इफ अ कंट्री फॉलोज वन सिंगल रिलीजन, और प्रमोट्स इट्स आइडियोलॉजी, मीन्स बेस्ड ऑन रिलीजन, द पीपल या सिटीजन, ऑफ दैट पर्टिकुलर, रिलीजन, will have religious, comma cultural power and freedom. बात समझ में आया? देखो यहां पे पहले इसको समझ लो फिर कॉपी करना. मैंने क्या लिखा कि इफ अ कंट्री फॉलोज, अगर कोई देश, एग्जाम्पल में पाकिस्तान, पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, है ना. तो पाकिस्तान के अंदर केवल और केवल इस्लाम धर्म को माना जाता है, फॉलो किया जाता है. तो अगर पाकिस्तान जैसे देश के अंदर, जैसे पाकिस्तान है, इस्लाम को केवल मानता है, तो वहां पे हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, किसी भी जाति के लोगों का कोई अधिकार नहीं होगा. कम से कम धर्म के नाम पे अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना. सो वही मैंने लिखा कि इफ अ कंट्री फॉलोज वन सिंगल रिलीजन और प्रमोट्स इट्स आइडियोलॉजी, मींस बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के आधार पे जो लोग या नागरिक होंगे उस देश के, उनको आज़ादी बिल्कुल नहीं होगी. किस चीज़ की आज़ादी? उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी की बात यहाँ हो रही है, उनको नहीं होगी. इसलिए जरूरी ये है कि देश से, किससे? देश में कोई भी सरकार जो हो या देश जो हो, किसी एक धर्म को फॉलो ना करे. इट यूज टू प्रमोट ऑल द रिलीजन एंड इट यूज टू प्रोवाइड अ स्पेस, एंड फ्रीडम टू एवरी सिटीजन, सो दैट इफ दे वॉन्ट टू चूज दे कैन, एनी रिलीजन दे कैन. डन है बात? कॉपी कीजिए इसको फटाफट. नाउ वी विल हैव द थर्ड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, ठीक है. अब देखो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है. सो आई हैव योर एनसीईआरटी बुक राइट नाउ विथ मी. आप लोग के पास भी एनसीईआरटी का बुक ऑलवेज ऑफकोर्स होगा. सो वॉट यू विल डू, जैसे ही आप घर जाओगे एनसीईआरटी खोलोगे,
सो इट इज़ मे बी द पेज नंबर 21 और इस तरीके से रेड कलर का यू कैन सी हियर, रेड कलर का आपको दिखेगा लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड वेट अ मिनट, या वेट अ मिनट, ओके नो मैटर्स। हाँ ये आप देख सकते हैं व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा एंड वी हैव 1 2 3 एक दो तीन, देखो 1 2 3 तीन पॉइंट्स भी दिए हैं, आप अपने सिविक्स के बुक में ओपन करोगे दिस विल बी इजीली विजिबल। चलो कोई बात नहीं, अब मैं सीधे सीधे समझा देता हूँ, नो मैटर्स व्हाट इज गिवन हियर। चलो देखिए क्या है पॉइंट नंबर वन, दैट वन रिलीजन वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए आप, प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है, मतलब जब हम भारत की बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं तो सेक्युलरिज्म शब्द का क्या मतलब है, इंडिया में सेक्युलरिज्म शब्द का क्या मतलब है। क्वेश्चन समझ गए, क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है वो समझ में आया, अब क्या मतलब है वो देखते हैं बुक में क्या दिया है। तो बुक में कह रहा है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, मतलब भारत में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, ये मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पे आया हूँ हिंदू, तो इसका मतलब ये नहीं और मैं मेजॉरिटी में हूँ, क्यों, बिकॉज हिंदू, मैं हिंदू और मेरा मेरी संख्या यानी कि हिंदुओं की संख्या भारत में मोर देन 74% है, 70% है, सो आई हिंदू आई एम अ मेजॉरिटी कम्युनिटी, अ पार्ट ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, बट इट डजेंट मीन दैट आई स्टार्ट वायलेटिंग द लॉज द राइट्स ऑफ अ मुस्लिम। मैं किसी मुसलमान के अधिकार को नहीं छीन सकता, आई कैन नॉट फोर्स एनी मुस्लिम और अ सिख और अ क्रिश्चियन टू चेंज और टू कन्वर्ट और टू नॉट ओबे इट्स रिलीजन और टू इन और इन हिंदुइज्म। मैं किसी को नहीं बोल सकता कि भैया आप हिंदुइज्म में आ जाइए, तुम अपना इस्लाम छोड़ दो और तुम हिंदू बन जाओ, नहीं आई कांट, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंडियन अबाउट इंडियन सेक्युलरिज्म, ठीक है। नंबर दो, that some members do not dominate other members of the same religious community. अब इसका क्या मतलब है, I am a Brahman, मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने के बाद मैं ब्राह्मण हूँ, so I belongs to the forward class community of the Hindu. हिंदुओं में जो सबसे forward class है वो है ब्राह्मण, फिर आता है क्षत्रिय राजपूत, so ब्राह्मण फिर राजपूत then the वैश्य, वैश्य मीन्स बिजनेसमैन लालाजी गुप्ता शाह एंड फाइनली द शुद्राज मतलब द बैकवर्ड्स अनटचेबल्स अछूत जिसको बोलते हैं, है ना। तो मेरा जन्म एक फॉरवर्ड क्लास धर्म में हुआ, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ सबसे ऊपर हूँ, बट इट डजेंट मीन दैट मैं अपने ही धर्म के किसी शूद्र को यानी कि किसी बैकवर्ड को बोलूं कि तुम मेरी बात को मानो, मतलब मैं उसको फोर्स करूं कुछ करने को, मैं उसको वायलेट करूं उसके राइट्स को, ये मैं नहीं कर सकता। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि मैं फॉरवर्ड हूं, मेरे पास अधिकार है बट मैं अपने अधिकारों को गलत उपयोग नहीं कर सकता। बात क्लियर हो गई, समझ में भी आ गया, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की हम चर्चा करें, अगला पॉइंट that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. The state means the government, the country. कोई राज्य या हमारा देश भी किसी से उसके राज उसके धार्मिक अधिकार नहीं छीन सकता। What does it mean? It means the constitution of India, भारत का संविधान guaranteed what? Guaranteed the rights of religion, religious freedom.
धार्मिक आज़ादी का अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज ऑल्सो हिंदू, है ना? वो हमेशा हिंदुत्व की बात भी करते हैं, है ना? हमेशा देखो मंदिर मंदिर जाते हैं, भस्म भस्म लगा के रखते हैं, है ना? लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा नियम बना दे कि भैया भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो सब हिंदू बन जाओ, नहीं तो हम आपको मरवा देंगे, ठुकवा देंगे, उठवा देंगे, लुटवा देंगे। इट कांट पॉसिबल, इट नेवर एवर पॉसिबल। वाई? बिकॉज जैसे जितने अधिकार हिंदुओं को दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उतने ही अधिकार किसको दिए गए हैं? मुसलमानों को भी। इज इट ओके? क्लियर हो गई बात? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। जस्ट यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम योर बुक या एंड दिस इज अप टू व्हाट फॉर टुडे, है ना? आज के लिए इतना रहन देंगे हम लोग, नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर को खत्म कर लेंगे बिकॉज दिस चैप्टर इज नॉट सो मच लॉन्गर। सो टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय एंड मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, है ना? शेयर दबा के कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? और घंटा दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। चलो बाय।